वीडियो पे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से दुष्कर्म की घटना हुई है, मर्डर का ही लग रहा है, लेकिन मेडिकल बोर्ड का जो भी ओपिनियन होगा उसी को हम लोग मानेंगे। एफएसएल की टीम भी आई थी तो उनके द्वारा भी ऐसा कुछ। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां एक साथ डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के नरियार वार्ड 11 की है, जहां अपराधियों ने माँ और बेटी की चाकू से गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। मृतकों में 30 वर्षीय रिंकू देवी और उसकी 10 वर्षीय बेटी नैना शामिल है। दोनों माँ बेटी नरियार वार्ड नंबर 8 राम जानकी चौक की रहने वाली है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों माँ बेटी सुबह सुबह फूल तोड़ने घर से निकली हुई थी, लेकिन सुबह दोनों का शव नरियार के उचित सिंह प्राथमिक मध्य विद्यालय के कमरे में पाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद खुद पुलिस कप्तान हिमांशु पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। वही मौके पर डॉग एस्कॉर्ट और एफएसएल की टीम भी पहुंची है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस हर एक बिंदु पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है। एसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर मेडिकल भी कराया जा रहा है, जल्द ही कांड का खुलासा किया जाएगा। ये जो मृतका है कौन है? ये मेरा बीवी है, एक लड़की है। कब निकली थी ये लोग घर से? 4 बजे सुबह सर रोज उठ के घूमने जाते, 8 बजे तक चले आते थे। तो हम अपना सोचे कि ये लोग कहीं होगा किसी के साथ गप उप करते हुए, तो हम अपना चले गए काम करने के लिए। तब वहाँ पहुँचे तो हमको पता चला तो हम अभी कितने बजे काम करने निकले थे? हम तो 8 बजे गए थे सर। तो ये लोग कब निकले थे? 4 बजे सुबह घूमने के लिए। आप कहाँ काम करने गए थे? वो बख्तियारपुर गए थे, सहरसा से बख्तियारपुर। हाँ, वो खाना पीना बनाने वाला आज काम था, नहीं तो ऐसे लेबर वाला काम करते ईटा पत्थर। किसके यहाँ गए थे काम करने? वो नहीं बता सकते, हम वही चौके पर से घूर गए थे बख्तियारपुर चौक पर। क्या लग रहा है आपको, क्यों होता है? किसी से झगड़ा था, झंझट था? लड़का है, कोई लड़की थी। क्या लग रहा है, कोई दुश्मनी भी था किसी से? दुश्मनी तो नहीं था सर किसी से। फिर क्या कुछ विवाद था? नहीं, विवाद भी नहीं था। अब घर से खाना खा के नहीं निकलते आप? नहीं, खाना हम कभी नहीं खाते सर। सुबह 1 बजे हम आते हैं अपना लंच करते। क्या लग रहा है, क्यों होते हैं? अभी तो सर हम नहीं बता सकते, या कोई दुश्मनी से हमारा होगा किसी। मेरे साथ तो किसी का दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी से हमारा हो या मरवाया हो तो किसी पर शक है? शक तो ऐसे नहीं, आप मुझमानी हम क्या बताएं, फलना है चलना। जब हमें जहाँ रहे नहीं किए तो हम क्या बताएं, किसका नाम बताएं? क्या नाम है आपका? विकास कुमार। आई दोनों का? रिंकू देवी नाम है, आई नैना कुमार। कब शादी हुआ था? 2008 में। कितने बाल बच्चे हैं आपको? 4। डबल मर्डर हुआ है, माँ बेटी की हत्या हुई है, क्या सर? अभी 11 बजे सूचना मिली थी कि नरियार में एक स्कूल है जो कि अर्धनिर्मित है, वहाँ पे 2 डेड बॉडीज मिली। जब तुरंत जो लोकल SHO SDPO को वहाँ भेजा गया FSL की टीम और डॉग स्क्वाड के साथ, और वहाँ पे पाया गया कि यह घटना सही है। प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है कि चाकू मारने से हत्या हुई है, इसमें रिंकू देवी हैं महिला और उनकी एक पुत्री है। इसमें हम लोग मेडिकल बोर्ड का गठन कर रहे हैं इनके जो पोस्टमार्टम व अन्य प्रक्रिया के लिए, और एक विशेष टीम का हम लोग गठन भी कर लिए हैं ताकि जो भी इसमें काम किए हैं उसको हम लोग पकड़ सकें। क्या लग रहा है सर कि रेप की भी आशंका जताई जा रही है, फिर आशंका है? ये बिना मेडिकल बोर्ड, इसीलिए हम लोग और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर रहे हैं, ना कि कोई एक डॉक्टर का। हम लोग सिविल सर्जन से भी बात कर रहे हैं, तो जो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा उसी को हम लोग सही मानेंगे जो मेडिकल अभी। लेकिन यहाँ पे वीडियो पे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से दुष्कर्म की घटना हुई है, मर्डर का ही लग रहा है, लेकिन मेडिकल बोर्ड का जो भी ओपिनियन होगा उसी को हम लोग मानेंगे। FSL की टीम भी आई थी तो उनके द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सर, हत्या किस चीज़ से हुई है? धारदार हथियार से हुई है। क्या क्या बरामद हुई? अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको हम लोग अभी सर्च अगल बगल, चूँकि अभी जस्ट पता ही चला, सर्च अगल बगल का एरिया का हम लोग करा रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी बुलाएं। जैसे जैसे चीज़ें मिलेगी तो आप लोग को हम लोग ब्रीफ करें।